हाय, दिस इज पवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू gearbest.com जिन्होंने हमें ये प्रोडक्ट भेजा। और आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ एक ऐसे रोबोट के बारे में जो आपके डेली वर्क में बहुत ही हेल्प कर सकता है और आपके टाइम को भी बचा सकता है। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक सरप्राइज़ के बारे में भी इस वीडियो में शेयर किया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो गाइज, अब हम इसके बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। ये इसे ओपन कर लिया, तो ये है गाइज इसका एक प्रोटेक्टिंग कवर। और इसके बाद आगे बढ़ते ये है यूज़र मैनुअल्स, जिसे हम रखते हैं साइड में। इसके बाद हमें मिल जाता है एक ब्रश, जिसे हम क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें मिल जाता है एक रिमोट, जिससे हम ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद पावर अडैप्टर्स चार्जिंग के लिए। और इसके बाद हमें मिल जाता है एक्स्ट्रा ब्रशेस, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये है मॉपिंग पैड। इसके बाद आगे बढ़े तो हमें मिल जाती है एक डबल ए बैटरीज। और इसके बाद हम रखते हैं इसके मेन यूनिट को साइड में, देखते हैं कंटेंट को। तो ये है एक्स्ट्रा फिल्टर्स और ये है चार्जिंग स्टेशन। गाइस देखते हैं अब इसके मेन यूनिट को। तो मेन यूनिट के कवर को हम हटा देते हैं। पीछे की बात करें तो हमें ये है इसका मॉप, ये है इसके व्हील्स और बीच में लगे हुए हैं इसके वैक्यूम क्लीनर्स। गाइस अब हम इसके फिल्म को हटा देते हैं, प्रोटेक्टिंग फिल्म को, जिससे ये और ही चीज़ सुंदर लगे। तो गाइस देख सकते हैं जैसा कि आप, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये दिखाई देता है। और लुकिंग के मामले में ये बहुत ही सुंदर है। और गाइस आपके इंटीरियर्स में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। ये है गाइस इसका पुश बटन, जिसे हम इसे ओपन करके इसके डस्ट पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं, जिसे मैं आपको बाद में एक डेमो करके दिखाऊंगा। और इसे हम रख देते हैं अंदर और इसे भी कर देते हैं बंद। गाइस अब हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें बैटरी को लगाना होगा। और ये हमारा रिमोट हो गया है चालू। और हम देखते हैं इसे ऑन करके कैसे ये काम करता है। ये है गाइस इसका ऑन ऑफ बटन, जिसे हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हमें एक बीप साउंड की आवाज़ आएगी, तो उस समय इसका मतलब कि ये ऑन हो चुका है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीन लाइट यहाँ पे ऑन है। और हम देख लेते हैं इसके रिमोट को। तो ये है प्लान, ये है क्लॉक, ये है आप मूविंग वन मूविंग डायरेक्शन के लिए, ये है चार्जिंग के लिए और ये है साइड क्लीनिंग के लिए। और ये है इसका टाइमर डिस्प्ले। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे रूम में कितने सारे गंदे हैं। और गाइस अब हम इसे चला के साफ कर देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये रोबोट आगे बढ़ रहा है, अपने साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी साथ लिए जा रहा है। और गाइस कुछ ही देरों में, मिनटों में, ये इस डस्ट पार्टिकल को पूरी अच्छी तरह से साफ कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक भी डस्ट पार्टिकल्स को नहीं छोड़ा। और गाइस मैं इसे रिमोट से नहीं ऑपरेट कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद उस डस्ट पार्टिकल के पास जाके उसे ले लेता है। और गाइस देख सकते हैं जैसा कि आप, मैंने बताया था ये है कंटेनर जिसमें डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। और इसे हम खोल लेते हैं, तो देख सकते हैं आप ये है फिल्टर्स। और गाइस अब हम इसके अगले मोड की तरफ बढ़ें, तो ये है साइड क्लीनिंग मोड। देख सकते हैं आप ये साइड को कैसे क्लीन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साइड्स को भी इसने क्लीन कर दिया है। तो गाइस अगर आप भूल जाते हैं इसे ऑपरेट करके छोड़ देते हैं, और आपके घर में सीढ़ी या फिर हाई प्लेसेस जहां से बहुत ही ऊंचाई है, तो गाइस इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। इसमें लगे हुए सेंसर्स
सेंस कर लेते हैं उस जगह को और वहाँ इस रोबोट को गिरने से बचा देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में आप। ये देखिए इसने ब्रेक खुद ब खुद लगाया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग को। तो चार्जिंग के लिए सबसे पहले हमें इसके अडैप्टर को इसके साथ अटैच करना होगा। इसके लिए हम इसके वायर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अडैप्टर को लगा दिया यहाँ पे। अब हम इसे प्लग कर देते हैं और इसके स्विच को ऑन कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। अब हम रिमोट में होम बटन को क्लिक करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद चार्जिंग में लग चुका है। और गाइस ये चार्जिंग होना शुरू कर दिया इसने। तो गाइस ये बहुत ही बेस्ट मुझे ये प्रोडक्ट लगा और वाकई में ये बहुत ही टाइम को बचाता है। और बस क्लीन मोड को ऑन करना है और इसके सारे काम को ये खुद ब खुद करता है। तो गाइस अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और गाइस मैंने इसमें डिस्काउंट कूपन्स और बेस्ट ऑफर की डिटेल्स भी इसमें मेंशन कर दिया है। तो आप जब भी आप परचेस करें gearbest.com से तो आप इसे रिडीम कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको एक सरप्राइज़ के बारे में बताया था। तो सरप्राइज़ ये है कि मैंने एक गिव अवे कॉन्टेस्ट रखा है और इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में कैसे आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये बहुत ही आसान स्टेप हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे आने वाले हर वीडियोस को लाइक करें और हमारे हर आने वाले वीडियोस पे कमेंट करें। और उनमें से मैं 5 लकी विनर्स को चुनूंगा जिन्हें वो गिफ्ट्स मिलेंगे और गिफ्ट्स के बारे में की जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा। तो देखते रहें आर्टकला को और थैंक यू सो मच।